हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विजेता'स ड्रीम किचन #टैग स्वाद से दिल तक। तो चलिए आज बनाती हूँ मैं पंजाबी स्टाइल का मसाला एग। मसाला एग आप रोटी, पराठा या फिर जीरा राइस के साथ भी खा सकते हो। बहुत टेस्टी लगता है ये, आप ट्राई ज़रूर करना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ले लिया है मैंने ये 4 अंडे ले लिए मैंने, उसमें डाल दिया मैंने पानी और 1 टीस्पून भर के नमक डाला। अब नमक डाल के उबालोगे अंडों को, तो उबलते समय ये बिल्कुल भी क्रैक नहीं होंगे। 10 मिनट तक अंडों को एक बार अच्छे से बॉयल आ जाए, फिर अंडे को मीडियम फ्लेम पे रख के 10 मिनट तक उबालो, तो ये बिल्कुल हार्ड बॉयल हो जाते हैं। जब तक अंडे उबल रहे हैं मैंने एक साइड में पैन रख लिया और इसमें डाल दिया 2 टेबल स्पून भर के वाइट ऑयल। अच्छे से गर्म कर लें तेल को और इसमें डाल दें 3 मीडियम साइज प्याज, इस तरह से चॉप बारीक कटे हुए प्याज डाल दें इसमें और हाई फ्लेम पे 1 मिनट तक प्याज को फ्राई करना है। और इसके बाद इसमें डाल दिए 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। 30 सेकंड तक इसे भी फ्राई कर लें हाई फ्लेम पे। और अब इसमें डाल दिया 1 टीस्पून भर के क्रश्ड अदरक और 1 टीस्पून भर के क्रश्ड लहसुन का। इसे भी 30 सेकंड तक ही हाई फ्लेम से फ्राई कर लेना है। फ्लेम का अब थोड़ा बहुत अपने आप भी एडजस्ट कर सकते हो। फ्लेम को आप मीडियम पे कर दो। अगर बहुत ज़्यादा ही प्याज लाल होने लगे हैं तो किसी समय थोड़ा हाई करके या फिर उसे मीडियम करके अपने आप इसे एडजस्ट करते रहें। आपको तब तक प्याज भूनने हैं जब तक कि ये गुलाबी ना हो जाए, पिंक ना हो जाए। ये देखिए प्याज बहुत अच्छे से पिंक हो चुके हैं। अब इसमें डाल दिया मैंने 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। बस इसे अब 30 सेकंड तक हाई फ्लेम में फ्राई करें ताकि हर एक सूखा मसाला बहुत अच्छे से भुन जाए। और इसमें अब 2 मीडियम साइज के टमाटर को ग्रेट कर लिया था वो डाल दिया मैंने इसमें और इसे भी 30 सेकंड हाई फ्लेम पे ही भून लें। इस तरह से चलाते रहें मसाले को और इसके बाद अब मैं लेने वाली हूँ एक बड़ा सा कप दूध का। ये ले लिया दूध और इसमें डाल दिया मैंने मसाले में दूध। हाई फ्लेम पे रख के दूध को उबाल लें। मसाले में जो दूध डाला है जब ये उबलने लग जाए, अभी मैंने हाई फ्लेम पे रखा है, जब ये उबलने लग जाएगा तो फ्लेम को मैं मीडियम कर दूंगी। मीडियम करके कम से कम 3 मिनट तक इसे इस तरह से पकने दें। और ये देखिए 3 मिनट के बाद ग्रेवी इस तरह से थिक और क्रीमी हो चुकी है। और जब तक सिम पे रखा है मैंने मसाले को, एक पैन गरम कर लिया मैंने, उसमें 1 टीस्पून करीब ये कसूरी मेथी डाली मैंने। पैन को गरम करके गैस ऑफ कर देना है और बस उस पर ही कसूरी मेथी को हल्का सा भून लेना है। और अब इस मसाले में मैंने डाल दिया है 2 टेबल स्पून भर के फ्रेश क्रीम, उस फ्रेश क्रीम डाली है मैंने इसमें। और कसूरी मेथी भी अच्छे से गरम पैन में बिल्कुल रोस्ट हो चुकी है अब, ये देखिए। और इसका बना लिया मैंने पाउडर और इसे डाल दिया मैंने ये क्रीमी ग्रेवी में। 1 टेबल स्पून भर के करीब होगी ये कसूरी मेथी। और अंडे को, बॉयल्ड एग को मैंने 4 टुकड़ों में, एक अंडे को 4 टुकड़ों में काट लिया है। और अब मैं इस ग्रेवी पे उसे बस अंडों को बस डाल दूंगी, थोड़ी देर में हल्का सा स्टर कर लूँगी मसाले को। और अब ये अंडे इसमें मैं डाल देती हूँ। अब हल्के हाथों से ग्रेवी लेके बस अंडों के ऊपर में इस तरह से डाल देना है या फिर अंडों को थोड़ा सा प्रेस करके ग्रेवी में ही बस जैसे मिक्स हो जाए, इस तरह से आप इसे पूरे अंडे को बिल्कुल टॉस करके एकदम भरता नहीं बना देना है, इस तरह से बस हल्के हाथों से हिलाना है। थैंक यू, आप सबका बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।
आपको मेरी अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और मेरी रेसिपी ट्राई करना। अपना ध्यान रखें। ये देखिए कितनी टेस्टी लग रही है, ये आप ज़रूर ट्राई करना, आपको भी पसंद आएगी बहुत। ये एग मसाला आपको बहुत पसंद आने वाला है, ट्राई करोगे तभी तो पता चलेगा कि कैसा है ये, तो ज़रूर ट्राई करना आप। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।